नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान BSTC एग्जाम को लेकर आप सबके लिए अच्छी खबर है। BSTC को लेकर लाखों विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे दोस्तों। अमूमन 2021 में आपके जो फॉर्म भरवाए गए थे दोस्तों, वो आपके मई में ही भरवाए गए थे। मई से फॉर्म आपके शुरू हो गए थे दोस्तों, जून से आपकी जगह जून से आपके फॉर्म भर गए थे, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं शुरू होने से छात्र परेशान थे। लेकिन दोस्तों, आप सबके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। अकेडमिक सेशन पिछले 2 साल से परीक्षा में देरी से डीएलएड के सेशन पर आ रहा है असर। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा तिथि भी घोषित हो चुकी है लगभग, और आपकी दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो क्या रहने वाली है, कितने नंबर पर आपको कॉलेज मिलेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान BSTC की लेटेस्ट न्यूज आपको चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, इस साल भी अगस्त में ही होगी TDLED परीक्षा, फॉर्म फिलिंग 10 दिन बाद, यानी कि फॉर्म भरने का जो कार्य है वो 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस साल भी TDLED परीक्षा अगस्त से पहले होती नज़र नहीं आ रही है। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया 10 दिन के बाद शुरू हो सकती है। ऐसे में छात्रों को आवेदन भरने व अन्य प्रक्रियाओं के लिए कम से कम 15 से 20 दिन का समय देगा। इसके बाद परीक्षा तिथि तारीख हो जाएगी, यानी कि 20 दिन का ही समय ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपको मिलेगा। तो आप ये ना सोचें कि डेट बढ़ेगी, मैं लास्ट में फॉर्म भरूंगा। आपको फॉर्म जैसे शुरू होते हैं तुरंत बाद आपको फॉर्म भर देना है दोस्तों। यदि पूरा जुलाई इसमें ही बीत गया तो ऐसे में इस साल भी परीक्षा अगस्त में होने की संभावना है। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, PDLED परीक्षा 12वीं पास आउट अभ्यर्थी PDLED के लिए पात्र होते हैं। राजस्थान बोर्ड के 12वीं के सभी विषयों का परिणाम आ चुका है और 12वीं का परिणाम 15 जुलाई तक आने की उम्मीद है CBSE बोर्ड का। और PDLED की परीक्षा में मई में आयोजित की जाती है, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 साल से परीक्षा में देरी हो रही है, इसीलिए दोस्तों छात्र परेशान थे। आपको बता दूं दोस्तों, 362 कॉलेज हैं राजस्थान में, जिनमें से दोस्तों कुछ आपकी लगभग 33 से 34 सरकारी हैं, डाइट कॉलेज हैं, और बाकी आपकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। तो 24,420 सीट हैं, टोटल 362 टीचिंग शैक्षणिक संस्थान हैं दोस्तों, और कुल आपकी 24,420 सीटों पर एडमिशन होगा दोस्तों। इसके लिए आपको बता दूं, जिन छात्रों के अच्छे नंबर होते हैं उनको दोस्तों उनकी मनपसंद कॉलेज मिलने की संभावना रहती है, यानी कि उनको मनपसंद कॉलेज मिलता है। अगर आप 400 प्लस या उससे ज़्यादा अंक हासिल करते हैं तो दोस्तों ये अच्छा स्कोर माना जाता है। BSTC में अभी भी PDLED परीक्षा की तैयारी चल रही है, जल्द ही ऑनलाइन फॉरम के बाद परीक्षा आयोजन का जो कैलेंडर है, परिणाम है दोस्तों, जल्द जारी करके जल्द ही दोस्तों इसे प्रोसेस को किया जाएगा। 8 अक्टूबर तक आपको कॉलेज मिल जाएंगी। आपको बता दूँ दोस्तों, पूरी तैयारियाँ कर ली गई हैं बोर्ड के द्वारा। वीडियो को जरूर शेयर करना। राजस्थान BSTC PDLED से संबंधित आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी दोस्तों। इस बार कट ऑफ आपको 2021 की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसीलिए आप जितना ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों अच्छे से तैयारी करेंगे, जितने ज़्यादा आप नंबर ले आएंगे दोस्तों, वही आपका सेफ स्कोर रहेगा। OBC जनरल वाले 400 प्लस की तैयारी करें, और SC ST वाले 380 प्लस की, तभी आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल पाएगी। कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगी क्योंकि पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।